अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम आशोब चश्म है, जिसको हम अपने मेडिकल टर्म में वायरल कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। जैसा कि आपको इल्म है, आशोब चश्म किसी भी इलाके किसी एरिया में हो सकता है। इससे दोनों आंखें या एक आंख का जो वाइट ऑफ द आई है, कंजक्टाइवा इसको कहते हैं, वो सुर्ख हो जाता है और आप देखें कि ये बीमारी एक दूसरे से फैलती है। इसीलिए ये मुख्तलिफ वक्तों में एक ख़ास इलाके में फैल जाता है, इसलिए कि लोग एहतियात नहीं करते। जो इसकी अलामत हैं उसमें सबसे ज़्यादा मैंने जैसे अर्ज़ किया कि रेड कंजस्टेड आई, आँख बहुत ज़्यादा सुर्ख हो जाती है। मरीज़ कंप्लेन करता है कि मुझे बहुत ज़्यादा पानी आता है और उसको बहुत ज़्यादा इरीटेशन या ख़ारिश महसूस होती है। और कुछ लोगों को जब सो के उठते हैं तो वो सुबह आँखें चिपकी होती हैं। अब इसके बचाव के तरीके मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अक्सर ये स्कूल कॉलेज से या गैदरिंग से एक दूसरे को लगती है, लिहाजा हमें सबको स्कूल कॉलेज में या गैदरिंग में जाने से थोड़ा एहतियात करना चाहिए इन दिनों में। तो मेरे एडवाइस अपने मरीज़ों को होती है कि आप एक दूसरे के साथ हाथ ना मिलाएं। घर में जब एक बच्चे को होगा या एक शख्स को होगा तो वो ज़्यादा चांसेस है कि बाकी घर वाले भी उसे अफेक्ट हों। तो अपना आपने कंघी और तौलिया अलहदा रखना है, एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाना और फासले को थोड़ा कायम रखें, क्योंकि ये एक दूसरे से फैल जाती है। ज़्यादा ज़रूरी ये होती है कि आप किसी भी नज़दीकी हॉस्पिटल में जाएं और वहाँ अपने शोबा चश्म में दिखाएं ताकि ये ज़्यादा बीमारी फैल ना जाए। जब एक दफ़ा जरासीम आँख के अंदर चले जाते हैं, इसको हम जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वायरल कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, तो वायरस एक दफ़ा अटैक करता है तो वो लाल सुर्ख हो जाती हैं आँखें। लाल सुर्खी हमारे लिहाज से क्या होता है कि खून की जो नसें हैं वो फैल जाती हैं, लिहाजा इसलिए इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी आप मेडिसिन इस्तेमाल करें उसको फ्रिज में रखें या ठंडे पानी से इसको वॉश करें आँखों को। जितना ज़्यादा आप ठंडे पानी से वॉश करेंगे उतनी जल्दी ये ठीक होता है। और इस बीमारी की खास खसूसियत यह है कि अपने ये मुकर्रा दिन 3 से 5 दिन लेती है। जो मेडिसिन हम देते हैं या जो डॉक्टर साहिबान या हॉस्पिटल में दवाइयाँ मिलती हैं, वो हम इस बीमारी को फैलाने से बचाते हैं। और आपको इल्म है कि आँख, नाक, गला, ये तीनों चीज़ें हमारे फेफड़े में जाते हैं। तो फेफड़े चूँकि बीइंग ए वाइटल ऑर्गन, इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, तो यहाँ तक जरासीम को नहीं फैलने देना, लिहाजा हम मुख्तलिफ मेडिसिन एहतियात करते हैं। तो मेरा अपने मरीजों से यही है कि आप एक दूसरे से दूर रहें, एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं, और अगर दिन के वक्त बाहर किसी गैदरिंग में जाना है तो कुछ लोग एडवाइस करते हैं कि आप काली आंख लगा लें। शुक्रिया।